बड़ा तबका अगर वोट डालने की अगर आप बात कर रहे हैं तो उससे बड़ा तबका तो बीजेपी को वोट डाल रहा है। कांग्रेस पार्टी जब भी इलेक्शन आता है बीजेपी से डरा कर माइनॉरिटी के वोट लेती है। नाम जो गुलबर्गा से कलबुर्गी इसको किया गया था, इसके पीछे भी कांग्रेस का ही हाथ था ना। कांग्रेस पार्टी को छोड़कर दीगर रीजनल पार्टीज को ज्वाइन करने पर मजबूर हुए हैं लोग। जितने भी मुस्लिम लीडर्स हैं ये प्रोटोकॉल को मेंटेन करते हुए जिंदगी भर सिर्फ गुड मॉर्निंग गुड नाइट ही बोलते रहे हैं। इस्लाम के जो फॉलोअर हैं जो उनको चाहते हैं वो लोग आज भी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ही जिम्मेदार है उनकी मौत की। अगर आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को सपोर्ट करेंगे अपनी तंजीम के तहत तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के कैंडिडेट वहाँ पर हार जाएंगे ना। एडवोकेट वहाज बाबा कांग्रेस पार्टी में जो ज्वाइन करे हैं इनका मकसद क्या था, क्या सोच लेकर ये कांग्रेस पार्टी में ज्वाइनिंग करे हैं? तो सबसे पहले एडवोकेट वहाज बाबा साहब आपका मैं गुलबर्गा हेडलाइंस में वेलकम करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम साहब, आपने हमें अपना व्यू रखने का मौका दिया, इसके लिए हम थैंकफुल हैं। कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन होने का मकसद शहर गुलबर्गा के मुअज्ज़ज़ीन बिलखुसूस सज्जादा नशीन बारगाह बंदनवाज रहमतुल्लाह अलैह की हिदायतें, बल्कि एमपी इलेक्शन में डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को रास तौर से मुझे मिलवाना और दीगर शहर के तुजार हजरात उलमाए कराम दानिशवराना ने मिल्लत इन तमाम लोगों के मशवरे इन तमाम लोगों की हिदायतें और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी कंट्रोल बाई आरएसएस के एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉस एंटी पीपल पॉलिसीज इन तमाम का मुकाबला किस तरीके से किया जाए ये तमाम चीज़ों को जहन में रखकर हमने कांग्रेस पार्टी में फॉर्मली तौर पर ज्वाइन की। देखिए सर वाहज बाबा, जिस तरह से गुलबर्गा शहर की आवाम जानती है, आप पिछले कई सालों से गुलबर्गा शहर में जो भी इशू हो आप फ्रंट पर आकर जो है ना लोगों के लिए आवाज़ उठाने का काम किए हैं। जब पॉलिटिकल करियर की आपकी बात की जाए तो आप पहली बार 2018 में एमएलए इलेक्शन में आपने मजलिस को यहाँ पर लाकर पहली बार आप मजलिस से दावा करे थे इलेक्शन लड़ने का। जिस तरह से आपका जो छवि गुलबर्गा शहर के लोगों में है, आप अचानक कांग्रेस पार्टी में जिस तरह से आपने ज्वाइनिंग की है, कई लोग आपसे नाराज़ नज़र आ रहे हैं, कई लोग आपके सपोर्ट में भी हैं। जो लोग नाराज़ हैं उनका ये सवाल है आपसे, वो लोग ये जानना चाह रहे हैं कि क्या मकसद लेकर आपने कांग्रेस पार्टी में ज्वाइनिंग की है। मैं फिर से एक मरतबा यही बात बताना चाहूँगा कि हमारे और शहर गुलबर्गा के मकबूल कायद मोहतरम मरहूम डॉक्टर अलहाज कमरुल इस्लाम साहब भी अपनी शुरुआत मिल्ली प्लेटफॉर्म से ही किए, करते 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 रीजनल पार्टीज में गए, उसके बाद में नेशनल पार्टी में आए। आने की वजह भी यही थी जो वजह मैं बता रहा हूँ, क्योंकि वीकर सेक्शन का वसीतर मफाद वास्ट इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको नेशनल पार्टी में रहना बेहद ज़रूरी है। दूसरे पार्टीज का एग्जिस्टेंस नहीं है, दूसरे पार्टीज का एग्जिस्टेंस ही नहीं है तो हमारी आवाज़, देखिए लॉस कहाँ पर बनते हैं, पॉलिसीज कहाँ पर बनते हैं, ये तमाम चीज़ें असम्बलीज में पार्लियामेंट्स में बनते हैं, ये सड़कों पर नहीं बनते, असम्बलीज में बनते हैं। हम असम्बली में हमारी कम्युनिटी का एक बड़ा तबका किसको वोट डाल रहा है? अब जिसको वोट डाल रहे हैं हम और उसकी मुखालिफत 5 साल कर रहे हैं, फिर इलेक्शन आ रहा है उसको वोट डाल रहे हैं, जब हमें काम करने की जरूरत है, जब मुखालिफत कर रहे हैं। आज हमें काम करने की जरूरत है, मुखालिफत नहीं, काम करने की जरूरत। बड़ा तबका अगर वोट डालने की अगर आप बात कर रहे हैं तो उससे बड़ा तबका तो बीजेपी को वोट डाल रहा है। मैं बात अगर वोट डालने की आएगी तो उससे मैं आपको करेक्शन करना चाहूंगा, कम्युनिटी का बहुत बड़ा तबका, मैंने ये वर्ड इस्तेमाल किया, मैं ये कह रहा हूँ कम्युनिटी का बहुत, जिसे आपका सवाल भी ये था, बहुत सारे कम्युनिटी के लोग नाराज हैं, तो मैं भी यही कह रहा हूँ कि वही कम्युनिटी के बहुत बड़ा तबका कांग्रेस को ही वोट डालता है। अच्छा, तो जब कांग्रेस को जो वोट डालता है वहाँ पर वोट डरा कर मंगा जा रहा है। जो कम्युनिटी के जो कई लोगों का ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी जब भी इलेक्शन आता है बीजेपी से डरा कर माइनॉरिटी के वोट लेती है, लेकिन माइनॉरिटी के जो अहम इश्यूज़ हैं उसको सॉल्व करने में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी पीछे नज़र आ रही है। और आप कहीं पर देख लो, अगर खास करके गुलबर्गा शहर की हम बात करेंगे तो ऐसे कई इश्यूज़ हैं जिस पर आपने भी जो है ना एहतजाज करते नज़र आए हैं, वो मसले अब तक सॉल्व नहीं हुए। और सबसे अहम मसले की अगर मैं बात करूँ वो है गुलबर्गा से कलबुर्गी को नाम जो तब्दील किया गया, 7 साल पहले आपने उसके ऊपर एहतजाज किया था। गुलबर्गा को कलबुर्गी करने में सबसे बड़ा हाथ कांग्रेस पार्टी का था, 7 साल आप उस पेशी फिरे
कोर्ट कचहरी के आपने चक्कर लगाया 7 साल, उसके बाद आज बाइज्जत बरी आप हुए हैं। जिस तरीके से आप लोगों ने तकलीफें झेले हैं, नाम जो गुलबर्गा से कलबुर्गी इसको किया गया था, इसके पीछे भी कांग्रेस का ही हाथ था ना? यकीनन, मगर कल मैं ज्वाइनिंग, मेरी फॉर्मल ज्वाइनिंग में तमाम लीडर्स के सामने ये बात किया, मैंने कहा कि हम कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कई एक एहतजाजात मूवमेंट लीडर्स के सामने कई एक डिमांड्स रखे, नहीं हुए, मगर उसके बावजूद भी 2018 का इलेक्शन छोड़ने के बाद में मेरे पूरी अवामी जिंदगी में हमने कांग्रेस का ही साथ दिया है, कांग्रेस का ही साथ दिया है, ना कि डर से बल्कि कांग्रेस की आइडियोलॉजी से, जो आइडियोलॉजी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को प्रोटेक्ट करने की बात करती है, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने की बात करती है, सेकुलरिज्म को स्ट्रेंथन करने की बात करती है, गंगा जमनी तहजीब को स्ट्रेंथन करने की बात करती है, इन तमाम चीजों को देखते हुए हम कांग्रेस में शामिल हुए हैं, और इन तमाम चीजों को जो कहीं ना कहीं अगर चूक हो रही है तो इन तमाम चीजों पर, क्योंकि कल प्रियांक साहब ने भी खुलकर कहा यही हमारे सिद्धांत है, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में काम करना, उनको अपलिफ्ट करना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को प्रोटेक्ट करना, जो आपका मकसद है कांग्रेस ज्वाइन होने का, यही कांग्रेस के सिद्धांत है। तो पूरी उम्मीद है कि हम ये इन तमाम हमारे जो कोर इश्यूज हैं, ये हमारे इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, ये हिंदुस्तान का अगर आईन, हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन को जो 8 साल से डायरेक्ट हमले किए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, अगर कॉन्स्टिट्यूशन पर हमला है तो वो इस देश पर हमला है, इस देश का सत्यानाश है। हमें एक ब्रॉड मेंटालिटी से कांग्रेस का साथ देना होगा, और हमारे पिछले से भी बहुत सारे हमारे आबा और अजदाद से हम कांग्रेस पार्टी का ही साथ दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का ही साथ देना होगा, क्योंकि जब तक हम देश से फासिस्ट ताकतों को खत्म नहीं करते, ये हमारी मोस्ट प्रियोरिटी है, क्योंकि वो लोग ये चाहते हैं कि हमारा वजूद खत्म हो जाए, हमारे ये वजूद की लड़ाई है, आज छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, ये हमारी एग्जिस्टेंस की लड़ाई है। हिंदुस्तान जो आजाद हुआ, वो आजादी के वक्त जो बातें कही गई, जो एग्रीमेंट्स किए गए, वो एग्रीमेंट्स को प्रोटेक्ट करने की लड़ाई है। तो भारतीय जनता पार्टी को, हमें जो चाहती है कि यहां से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हट जाए, डेमोक्रेसी खत्म हो जाए, डिक्टेटरशिप आ जाए, मनमानी की जाए, जो 8 साल से कर रहे हैं, ये तमाम चीजों को खत्म करने के लिए सिर्फ वाहिद पार्टी को हम मजबूत कर सकते हैं, और वाहिद पार्टी ही काउंटर कर सकती है, टक्कर दे सकती है, जो जिसका एग्जिस्टेंस गली से लेकर दिल्ली तक है, वो कांग्रेस पार्टी है। ठीक है, जिस तरह से आप अभी बताए कि हमारे आबा व अजदाद से हम कांग्रेस पार्टी को वोट देते आ रहे हैं, यही सोच लेकर जो है ना, एक माइनॉरिटी के वोट कांग्रेस पार्टी हासिल करती है, वो माइनॉरिटी के लोग कांग्रेस पार्टी के एस्पिरेंट्स को वोट कर जाना जिता कर असेंबली भेजते हैं, उसके बाद जो है ना वो लोग चंद पैसों के लिए बीजेपी ज्वाइन करके बीजेपी को पावर मिला रहे हैं। जैसा कि कर्नाटक में ही देख लो आप, कई MLA जो है ना जीत कर, जो है ना माइनॉरिटी के वोट लेकर जीत कर जो है ना बीजेपी में ज्वाइन होकर बीजेपी की यहाँ पर गवर्नमेंट बनाए हैं। वो बहुत बड़ा अनफॉर्चुनेट है, वो सिर्फ कांग्रेस कर्नाटक में नहीं है, वो सिर्फ कांग्रेस में नहीं है, ऐसे सिर्फ कांग्रेस से नहीं हो रहा है, तमाम जो रीजनल पार्टी सेकुलर अपने आप को कहते हैं उनके भी MLA से काम कर रहे हैं, नहीं इनके भी MLA से काम किए, ये मोस्ट अनफॉर्चुनेट है, ये अच्छा ये इतना अनफॉर्चुनेट है, कंडमनेबल है, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कर इलेक्शन में इनको सबक सिखाने की जरूरत है, और यकीनन पार्टीज और अवाम सबक सिखाए। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की यह कमजोरी है, वहाँ पर जिस तरह से आप देखते हैं लीडर, खास करके माइनॉरिटी के अगर आप लीडरों की बात करेंगे, आप कल तक कांग्रेस में नहीं थे, आपने भी देखा होगा कि जितने भी माइनॉरिटी के कांग्रेस पार्टी में लीडर्स हैं, वो लोग वहाँ पर जो है ना अपनी लीडरशिप को मजबूत नहीं करने की वजह से नाराज होकर कांग्रेस पार्टी को छोड़कर दीगर रीजनल पार्टीज को ज्वाइन करने पर मजबूर हुए हैं लोग, वो अपनी मर्जी से कांग्रेस पार्टी को नहीं छोड़े हैं, कांग्रेस पार्टी, उनका यह कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने उनको मजबूर किया है कांग्रेस पार्टी छोड़ने के लिए, तो आपका क्या सोच है इसके ऊपर? नहीं, आपका सवाल वाजे नहीं हो रहा है, बिल्कुल वजाहत के साथ आप बोलीजिए कौन सा लीडर है जिसने ऐसा ये काम किया है? तकरीबन लीडर्स हैं। देखिए आप अगर गुलबर्गा शहर की अगर बात करेंगे तो आप नाम गिना सकता हूँ मैं, इलियास सेठ लीजिए, और ऐसे कई दीगर लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी में उनकी लीडरशिप को मजबूत ना होने की वजह से वो लोग छोड़कर जो
कांग्रेस पार्टी को छोड़कर वो दीगर पॉलिटिकल पार्टीज को ज्वाइन करने पर मजबूर हुए हैं। आप इलिया सीट की अगर बात करेंगे तो उनका ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी में अब तक उनको सिर्फ गुलाम की तरह वहाँ पर रखा गया था, और दीगर जितने भी उनका ये कहना है कि दीगर जितने भी माइनॉरिटी के लीडर्स हैं वहाँ पर उनको गुलामों की तरह इस्तेमाल किया जाता है गुड मॉर्निंग गुड नाइट बोलने के लिए। तो आप अब तक आप क्या सोच लेकर वहाँ पर कांग्रेस में गए हैं इस तरह की अगर पहले के लीडरों की अगर सोच है तो? देखिए, अगर आप कांग्रेस पार्टी के लीडर से किसी भी किस्म का एक्सपेक्टेशन रखे बगैर अगर आप जाएंगे तो आपको गुलामगिरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका मकसद सिर्फ अवाम के बीच में काम करना होगा आपको गुड मॉर्निंग गुड नाइट बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम अब गुलाम की बात है तो मेरे तरफ से मैं अपनी बात को बिल्कुल वाजे कर देना चाहता हूँ कि मैं गुलाम हूँ अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, था हूँ और रहूँगा। मैं किसी लीडर का किसी पार्टी का गुलाम नहीं हो सकता। और दूसरी बात यह है कि मेरे पर्सनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं नेशनल प्लेटफॉर्म को ज्वाइन नहीं किया हुआ हूं। नेशनल प्लेटफॉर्म को ज्वाइन इसलिए किया हुआ हूं ताकि मैं वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में काम कर सकूं, और साथ ही साथ मैं ये भी बात बताना चाहता हूं गुड मॉर्निंग गुड नाइट बोलना गुलामगिरी नहीं है, ये एक प्रोटोकॉल है, एक रेस्पेक्ट है। आप अगर रेस्पेक्टेबल आदमी हैं, आपको मैं अगर गुड मॉर्निंग कहूंगा तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। आपको घर को जाते वक्त खुदा हाफिज़ कहूंगा, कोई गलत बात नहीं है। सलाम अलैकुम कहूंगा, ये अच्छी बात है, ये हिंदुस्तान का कल्चर है, ये ग्रीटिंग्स है, एक दूसरे को सलाम करना विश करना ये ग्रीटिंग्स। मतलब पूरे जितने भी मुस्लिम लीडर्स हैं ये प्रोटोकॉल को मेंटेन करते हुए जिंदगी भर सिर्फ गुड मॉर्निंग गुड नाइट ही बोलते रहे? नहीं, मेरा बोलने का मतलब ये है कि कुछ प्रोटोकॉल रहते हर एक जगह पर हर एक पार्टी में, मतलब अपनी 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 खुद की जाती जिंदगी में भी कुछ प्रोटोकॉल होते हैं। अच्छा, अब आपके और मेरे महल्ले के मस्जिद के सदर साहब अगर बाहर जाएंगे या कोई हाजी साहब आएंगे या कोई हाफिज साहब या आलिम दीन आएगा तो हम उनका प्रोटोकॉल है कि हम उनको इज्जत की नज़र से देखें, इज्जत की नज़र से देकर उठ खड़े हो जाएं, उठ खड़े होकर उनको उनसे मुसाफा करें उनसे मिलें। उसी तरीके का यहाँ का एक प्रोटोकॉल हो सकता है, जो प्रोटोकॉल गुड नाइट गुड आफ्टरनून गुड मॉर्निंग बोलने का होगा वहाँ पर। उलमा इकराम की इज्जत बिल्कुल, उनका मकाम, वो अलग प्रोटोकॉल है, लीडर्स का अलग प्रोटोकॉल है। जो प्रोटोकॉल उनको है उनको दिया जाता है, जो प्रोटोकॉल दूसरों को है उनको उनका प्रोटोकॉल दिया जाता है, ये प्रोटोकॉल है। साथ ही साथ गुलामगिरी जो वर्ड है वो वैसे ही लोगों को करने की जरूरत पड़ती होगी जो लोग अपना सेल्फ इंटरेस्ट रखकर पार्टी में काम करते हैं। अगर सोसाइटी का कम्युनिटी का माइनॉरिटी का वीकर सेक्शन का इंटरेस्ट रखकर अगर आप बात करेंगे तो लीडर से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहेंगे तो आपको क्यों गुलामगिरी करने की जरूरत पड़ेगी? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बारे में आपकी क्या सोच है? ये भी बताया जा रहा है कि आप जिस तरह से आप 2018 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से कॉन्टेस्ट कर रहे थे, बहरहाल बाद में वहाँ पर पार्टी ने यहाँ पर कंटेस्ट नहीं किया, आपको इंडिपेंडेंट खड़ा होना पड़ा, उसके बाद फिर से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ग्राउंड पर नज़र आ रही है गुलबर्गा शहर में। आपने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में फिर से जाने की कोशिश की, आपको वहाँ पर रास्ता नहीं मिला इसलिए आप कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, इस तरह से कुछ लोगों का कहना है। अब मैं कांग्रेस पार्टी में आ गया हुआ हूँ, कांग्रेस पार्टी की बात करूँगा क्योंकि उस पार्टी के साथ मेरे ताल्लुक से क्या हुआ था वो शहर जानता है, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर सामने के स्टेजेस से चाहे किसी भी कोई भी स्टेज हो हमारे ताल्लुक से अगर कोई बात आ रही है तो यकीनन ईंट का जवाब पत्थर से देना बखूबी हमें आता है, वो जवाब ज़रूर दिया जाएगा। ठीक है, और एक जिस तरह से आप मिली इशूज़ पर ज़्यादा काम करते हैं, असदुद्दीन अवैसी को आप अपना ख़याद मानते थे जिस तरह से आप मजलिस में थे, असदुद्दीन अवैसी भी मिली इशूज़ पर काम करते हैं, लेकिन आप जिस तरह से आपने कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन किया उस प्रोग्राम से भी मजलिस को बीजेपी की बी टीम बताया गया, और पहले से भी जो है ना असदुद्दीन अवैसी को मजलिस कांग्रेस बीजेपी का बी टीम बताया जाता है, बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं इस तरह से कहा जाता है अपने स्टेज पर, तो आपकी क्या सोच है असदुद्दीन अवैसी के तहत? मैं अपने से ज़्यादा मिली लीडर मरहूम कायद मोहतरम खमरुल इस्लाम साहब को मानता हूँ। शहर गुलबर्गा का हर बच्चा हर बुजुर्ग उनको मानता है, तो उनका जो विजन था उनका विजन कांग्रेस में आने का था, वही विजन के तहत मैं आया हुआ हूँ और मैं अलहाज खमरुल इस्लाम साहब की पार्टी में आया हुआ हूँ, वही विजन लेकर आया हूँ। सवाल असदुद्दीन अवैसी क्या कर रहा हूं? मैं 40 साल पीछे जाने वाला सवाल कर रहे हैं आप? नहीं, मैं आप लीडर मिले लीडर जिस तरह से देखिए मैं
वहाज बाबा देखिए मेरा सवाल यह है, कोई भी पार्टी में होने दो, कोई भी पार्टी का लीडर को आप देख लो, असदुद्दीन अवैसी के ताल्लुक से उनका एक माइंड क्लियर है कि वो मिली इशूज पर काम करते हैं हमेशा से, जिस तरह से बीजेपी के खिलाफ वो हमेशा से खड़े होते हैं, ये हर कोई भी पार्टी में लोग होने दो, उनकी ये सोच है कि अवैसी के ताल्लुक से। लेकिन कांग्रेस पार्टी का बार बार ये कहना है कि वो कहीं ना कहीं बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए गुलबर्गा में आ रहे हैं, बस मेरा यही सवाल है इसके ऊपर। देखिए मैं इसके ऊपर आपको क्लियर कर दिया हुआ हूँ, गुलबर्गा में जिसका एग्जिस्टेंस है वो कांग्रेस पार्टी का है। अगर वो एग्जिस्टेंस बता रहे हैं गुलबर्गा में, जब उसके ऊपर जरूर बात की जा सकती है। आज मैं यही कहना चाह रहा हूं कि हिंदुस्तान तमाम मजहबों को मिलाकर एक गुलदस्ता बनता है। अगर मैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में अपने ताल्लुक से बात करूंगा या सिर्फ मैं मेरे भाई के ताल्लुक से बात करूंगा, घर में चार भाई हैं, मैं खाली एक भाई के ताल्लुक से बात करूंगा तो मैं सबसे बड़ा और सबसे अच्छा स्पीकर बनूंगा, सबसे बेहतरीन बनूंगा। मगर कलाकारी यह है कि वो चारों भाइयों को, अगर मैं उनके साथ इंसाफ करूंगा, चारों भाइयों में जो कमजोर है उसे अपलिफ्ट करते हुए तीनों भाइयों को बैलेंस करूंगा और उसके लिए मैं स्ट्रगल करूंगा, तो वो हमारे इंडियन सिस्टम जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें मैं सक्सीड हूंगा। एक के ताल्लुक से अगर बात करेंगे, खमरुल इस्लाम की जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, मरहूम खमरुल इस्लाम के जो फॉलोअर हैं, जो उनको चाहते हैं, वो लोग आज भी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ही जिम्मेदार है उनकी मौत की। जिस तरह से उनकी मिनिस्ट्री निकाली गई थी, मिनिस्ट्री कांग्रेस पार्टी जब उनकी छीन ली, उसके बाद से वो लोग वो बीमार हुए, वही वजह है जिसकी वजह से वो दुनिया छोड़ गए। कौन होते हैं कई कांग्रेस खमरुल इस्लाम के जो फॉलोअर हैं, जो कांग्रेस पार्टी में नहीं हैं, कांग्रेस पार्टी में जो आज छोड़ दिए हैं कांग्रेस पार्टी को, जो आज भी खमरुल इस्लाम को अपना कायद मानते हैं, वो लोगों का यह कहना है कि आज खमरुल इस्लाम की जो मौत हुई है उसका जिम्मेदार, जिस तरह से उनकी मिनिस्ट्री निकाली गई थी, उसके बाद वो बीमार हुए, वो मिनिस्ट्री का सदमा उनको ऐसा लगा कि उनकी मौत हो गई। ठीक है, ये बात को फॉलोअर्स बोलते हैं जो कांग्रेस में नहीं है, दूसरे फॉलोअर्स बोलते हैं, आप बताइए ये बात कौन बोलना चाहिए। मैं समझता हूँ ये बात का सर्टिफिकेशन एंडोर्समेंट अगर कोई करना चाहिए तो मोहतरमा कनीज फातिमा साहिबा करना चाहिए, कनीज फातिमा साहिबा करना चाहिए। अवाम अगर बोल रही है तो आप उसको लॉजिकल मानेंगे? पूरा शहर देखा है उस वक्त, खुद खमरुल इस्लाम कांग्रेस पार्टी के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, तो मोहतरमा कनीज फातिमा साहिबा इस बात को क्यों नहीं समझे? क्योंकि वो एमएलए है कांग्रेस पार्टी के। नहीं, इससे पहले की बात है ना, वो तो इससे पहले की बात, उनको खमरुल इस्लाम रोड पे आने नहीं दिया ना, वो खुद लड़ते थे अपनी। नहीं नहीं, मैं देखिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि खमरुल इस्लाम साहब मौत व हयात अल्लाह ताला के हाथ में, पहली बात, बिल्कुल मौत व हयात अल्लाह ताला के हाथ में है और हर चीज़ का वक्त मुकर्रर है। बिल्कुल, कोई ना कोई बहाना होता है मौत का, तो बताया जा रहा है कि यह बहाना हो सकता है। इस बात की तस्दीक मेरी नज़र में मोहतरमा कनीज फातिमा साहिबा को करना चाहिए था, अगर वो नहीं कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि यह गलत इल्ज़ाम है। बिल्कुल, जिस तरह से आपको खिदमत मिल्लत एक तंजीम के तहत काम करते हमने देखा है, वो तंजीम के कई ऐसे आपसे जुड़े हुए लोग हैं जो कॉरपोरेशन, जिस तरह से कॉरपोरेशन इलेक्शन का जो माहौल चल रहा है, इस इलेक्शन में आपसे जुड़े हुए लोग इंडिपेंडेंट इस बार इलेक्शन में दावा कर रहे हैं, आप कांग्रेस पार्टी में जुड़े हैं, तो किस तरह से आपका उनके लिए सपोर्ट होगा? वो कहीं ना कहीं वो लोग भी आपसे नाराज़ हैं या आपसे वो लोग जुड़कर कांग्रेस पार्टी में काम करेंगे, वो आज भी इंडिपेंडेंट रहेंगे? जितने लोग भी, चाहे वो मेरी टीम के एस्पिरेंट हो या ना हो, मैं बिल्कुल क्लियर अल्फाज में बताना चाहता हूँ, उन लोगों से मेरा वजूद है। बिल्कुल, अगर वो लोग हैं तो मेरा वजूद है, अगर वो लोग नहीं हैं तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, और उन लोगों का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना मेरी अवलीन जिम्मेदारी है, नंबर वन प्रियोरिटी उन लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। आने वाले दिनों में हर एक मेरे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, मेरे दीगर जो एस्पिरेंट नहीं हैं, वो लोगों के भी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं काम करूंगा, और 100% इन बातों को बात कर ही मैं कांग्रेस पार्टी में शामिल हुआ। मतलब वो वार्ड से जो कांग्रेस का कैंडिडेट है उसके खिलाफ आप इंडिपेंडेंट? देखिए, इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बहुत सारी बात होती है, बहुत सारी रिप्रेजेंटेशन देने की बहुत सारी भी कोई चीज होती है। नहीं, रिप्रेजेंटेशन देने के लिए बहुत सारी चीजें होती है, और ये चीजें की गुंजाइश सिर्फ कांग्रेस पार्टी में है, दीगर दूसरे पार्टीज में नहीं है, ये चीजों की गुंजाइश सिर्फ कांग्रेस पार्टी में। मेरा सवाल ये है कि आप जब से इंटरव्यू शुरू हुआ आप लगातार ये कह रहे हैं कि हमें कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना होगा, अगर आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को सपोर्ट करेंगे अपनी तंजीम के तहत, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के कैंडिडेट वहाँ पे हार जाएंगे ना? नहीं नहीं, कांग्रेस को कैसे मजबूत? नहीं नहीं, आप कौन बोले कि आपको मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को सपोर्ट करूंगा कांग्रेस के खिलाफ? कांग्रेस, मैंने ये बात कहा कि आज वो इंडिपेंडेंट है, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना मेरी अविलीन जिम्मेदारी है,
उसके लिए कुछ टाइम बाकी है। हाँ। आज मुझे कांग्रेस ज्वाइन होकर 24 घंटे भी नहीं हुआ, बिल्कुल 24 घंटे भी नहीं हुआ, मैं इंशाल्लाह ताला वो लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना ही मेरे एग्जिस्टेंस बचाने के बराबर है, मेरा वजूद बचाने के बराबर है, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाएगा। मैं इसके ऊपर क्लेरिफिकेशन इसलिए चाह रहा हूँ वहाज बाबा, जिस तरह से आपके फॉलोअर्स हैं जो वोट डालने जाएंगे, वो लोगों के माइंड में ये सवाल है कि आज वहाज बाबा जब कांग्रेस में ज्वाइन हुए हैं तो हम भी सीधा सीधा जो कांग्रेस के एस्पिरेंट्स हैं हमको उन्हीं को वोट डालना है। इलेक्शन तक बिल्कुल क्लियरिटी वोटर्स के जहन में आ जाएंगे जी, आ जाएंगे। तो जिस तरह से अभी व्यूअर्स हमारे जो देख रहे हैं आपको, तो आखिरी में आप क्या क्या, क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि मैं कांग्रेस पार्टी में जो शामिल हुआ हूँ, बुज़ुर्गों के सज्जादा नशीन और दीगर मौजज़ीन शहर के कहने पर मैं शामिल हुआ हूँ, और मुझे वो लोगों ने हिदायतें दी है कि आपको सेकुलर वोट्स को डिवाइड होने नहीं देना है, माइनॉरिटी वोट्स को कंसोलिडेट करना है, एक जगह जमा कर रखना है, और जमा कर रखकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है, और फिर कांग्रेस पार्टी के जरिए से कांग्रेस पार्टी के लीडर्स को तमाम लोगों को एतमाद में लेते हुए माइनॉरिटीज़ के, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के, बैकवर्ड कम्युनिटीज़ के लीगल राइट्स को हासिल करना है। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए हमने एक नेशनल पार्टी को ज्वाइन किया है। मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप इस पार्टी के साथ जुड़े हुए रहिए। यकीनन मेरे उन एस्पिरेंट्स को भी मैं यही कहना चाहता हूं जो कांग्रेस पार्टी में एक वार्ड से आठ आठ चार चार एस्पिरेंट्स है, यकीनन देने को टिकट एक ही को दिया जा सकता है। आपसे मेरी गुजारिश यही है कि एक को जो टिकट दिया जाएगा, दूसरे एस्पिरेंट्स कांग्रेस पार्टी से ही बने रहे, और जिसे टिकट मिलती है उसके साथ जुड़े हुए रहे। आने वाले दिनों में मुस्तकबिल आपका रोशन होगा। आप जज्बाती मत बनिए, हालात नासाज है, दानिशमंदाना फैसला करना ज़रूरी है, क्योंकि आज हालात जो है, हमें कारपोरेशन से लेकर दिल्ली तक भारतीय जनता पार्टी को हटाना है। वो हटाने के लिए मजबूती के साथ सेकुलर वोट्स को और माइनॉरिटीज़ के वोट्स को, तमाम वोट्स को, बैकवर्ड के वोट्स को कांग्रेस पार्टी से जुड़कर रहना ज़रूरी है। मैं आपसे ये यकीन दिलाता हूँ कि मैं कांग्रेस के लीडर्स के, तमाम लीडर्स का एतमाद हासिल करते हुए मैं आपके साथ 24/7 रहूँगा। थैंक यू।